धनतेरस और मतलब छोटी दिवाली एक ही दिन है, मतलब छोटी दिवाली और दिवाली एक ही दिन है, धनतेरस तो अपने अकॉर्डिंग ही है, बट या आज है धनतेरस एंड कल को है बड़ी दिवाली विच इज दीपावली. सो या दिस इज द दिवाली ब्लॉग एंड होप यू लाइक दिस ब्लॉग. ओके The preps have started and यहाँ पे ये बंधनवाल लग चुकी है, उस गेट पे भी लग रही है लेकिन वो अभी बंद है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है. बट या बंधनवाल, ये वाली बंधनवाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है, दिस इज रियली सो गुड. एंड एक्चुअली बाहर भी झालर लगने वाली है, लाइक लगने जा रही है. एंड या यू गाइस, आप लोगों के घर से भी आपके बुआ या फिर जो होता है ना रिलेटिव्स, उन सब के घर पे गिफ्ट्स जाते होंगे ना, वैसे ही यहाँ पे उन सब के घर पे भेजने के लिए गिफ्ट्स थोड़े रेडी किए जा रहे हैं. ये जो बॉक्स है इसमें फ्रूट्स हैं एंड अलग से कुछ स्नैक्स भी अम्मा रख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड या यहाँ पे अभी टेप का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि टेप मिल ही नहीं रही थी, पता है इतनी मोटी मोटी टेप है. हमारी दो बुआएँ हैं तो दोनों के लिए यू नो दो डिब्बे रखे हैं और बीच में स्नैक्स वगैरह भी रखे, जो स्नैक्स देने होते हैं ना वो. ओके सो ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये मुझे पता नहीं है कहाँ से आया था, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जैसे दो टाइप्स के मिक्स सीड्स एंड सम लीची हनी विच इज सो ब्यूटीफुल. ओ ये 1916 का है अम्मा, ये तुम्हें अम्मा ने दिया होंगे ना. ले 1 रुपी का. ये 99 का है. और ये क्या है? वो है, ये वो जो छोटे बच्चों को पहनाते हैं वो है, ये पायल टाइप चांदी की. दीज आर सम गिफ्ट्स जो कि जाएंगे बुआ और जो बुआ अम्मा है उन सबको जाएंगे. सो या The main and the interesting part starts here. से इतना इंटरेस्टिंग और यू नो यूनिक सा चीज़ था कि हम लोगों को इसको करने का बहुत मन कर रहा है. इनफैक्ट ये मैंने भी करा था क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ करने का चीज़ था नहीं, मैं बैठे बैठे कर सकती थी एंड घर में भी कर सकते थे. सो हम सब ने इसको करा एंड दिस वाज सो Nice. ये जो गन वाला था ना अनार वगैरह, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड दिस वॉज ऑब्वियसली लाइक वेरी नाइस क्योंकि मैं भी छत पर जा नहीं सकती हूँ अभी या फिर रोड पे भी नहीं जा सकती हूँ. सो बेसिकली आई ऑल्सो इन्जॉयड इट अभी लाइक यहीं पे क्योंकि इसमें गर्माहट कुछ होती नहीं है, मतलब इसमें ना ही इतना पोल्यूशन होता, ना ही इसको मतलब इससे कोई चीज़ डैमेज होगी, इसमें कोई फायर वगैरह ऐसी चीज़ नहीं होती, ये बिल्कुल ठंडा चीज़ है, इससे कुछ हीट वगैरह कुछ नहीं है. सो इट वॉज वेरी नाइस. बेसिकली ये जो गन थी इट इज़ जो आप रीयूज कर सकते हो इसमें जो रिफिल्स भर भर के, एंड इट कॉस्टेड अराउंड 800 एंड इट इज वेरी नाइस बट इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव आई नो, बट या इसकी रिफिल्स भी बहुत एक्सपेंसिव है विच इज 200 पर रिफिल. एंड या मेरा भी वही रिएक्शन था जो अभी आपका रिएक्शन है, बट या दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बट वेरी इंजॉयफुल. बट या ये बहुत अच्छी चीज़ है, आई वुड डेफिनेटली टेल यू गाइज टू बाई दिस, लाइक दिस इज वेरी नाइस. सो या यू शुड बाई इट. द ओनली यू नो थिंग इसके बदले वॉज कि इससे रेत निकल रहा था लाइक इसको जलाने के बाद. सो हेयर इज भव्य द झाड़ू मैन ऑफ आर हाउस जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था बिकॉज क्योंकि यू नो उसको झाड़ू लगाना बहुत अच्छा लगता है. So this was a gift from one of our buas, actually my favorite one. But this was so nice. ये actually ऐसा मग में मंगाने को सोच रही थी, पर मुझे gift में मिल गया, which is so good. क्यों मस्त है, मैं ये ऐसा मंगाने की सोच रही थी.
हर दिवाली पे ये वाली गन आना तो इज अ रिचुअल फॉर अस. सो इस साल भी ये वाली गन्स आई थी. लाइक बेसिकली अम्मा हर धनतेरस पे ये लेके आती है अंडे. एक और दिवाली के गिफ्ट जो कि है ये इसमें है ये बॉटल जो कि है स्टील की है ना. और ये तो क्या वैसे खुलेगा ऐसे खुलेगा. हाँ इसका अब खोल निकल गया ये तो हाँ इसका ये हवा लगा के टिफिन है ये. ये अच्छा है जैसे मतलब ऐसे लंच ये स्कूल लेके जाएगा तू इतना बड़ा इतना खाना खाता है तू इतना बड़ा स्कूल लेके जाएगा घर पे इसमें खाना खाएगा. Also the house is ready with this decoration. Also घर के पास ये बहुत सारी हर साल ऐसे लड़ियाँ लगती हैं मतलब ये लाइट्स लगती हैं जो कि इस साल भी लगे हैं. दिस सो ब्यूटीफुल. The next day. दिवाली होती है मावस की रात. और हमारे घर पे जैसे कि आप लोगों को पता है हर महीने मावस को एक हवन होता है. तो क्योंकि आज मावस है तो वो तो हवन होना का होना ही है. सो कट्टू हवन थोड़ा बढ़ जाने के बाद गाइस पापा लेके आए हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स. नहीं सबसे पहले ये पत्ते हैं जो कि हैं आम के पत्ते जो कि जिससे यूजुअली डेकोरेशन होती है. एंड ये है गेंदे की फूलों की कम से कम 100 मालाएं तो नहीं है ये 50 माला होंगी. लेकिन ये ना बेसिकली घर को सजाने के लिए रंगोली वगैरह बनाने के लिए एंड हमारी जो शॉप्स हैं उनको सजाने के लिए आए हैं क्योंकि इतने तो फूल लग ही जाते हैं. सो दीज आर बेसिकली फ्रेंड. ये दुकान वाले हैं लक्ष्मी नहीं दुर्गा जी नहीं शिव जी जी और दिवाली हो और मिठाइयां ना हो ऐसे कैसे चल सकता है. यहाँ पे हम ताऊ जी पे वो देखने जा रहे हैं. ताऊ जी पेंट कर रहे हैं आले पे और उसके ऊपर ऐसे रस्सी वस्सी पता नहीं टंग रही है. और ये हमारे दुकान का आला है. Nilai dulai of Bhagwan ji and saaf safai of the ala begins in the house. और हाँ क्योंकि दिवाली की प्लेट में भगवान जी को 5 टाइप्स के फलों को चढ़ाना होता है इसलिए इतने सारे फल हर दिवाली पे आते हैं. और इस दिवाली भी आए इस बार आया पाइनएप्पल केला अनार पियर और संतरा जो कि मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने काफ़ी अच्छे से सजाए भी हैं है ना. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.
पोस्टर चिपकाने की प्रक्रिया का आरंभ होता है और बाकी इसके आगे पीछे की सजावट की तैयारियां होती है। एक और भी तो थी वो सिल्वर की। इस बार मैंने सोचा था कि हम ना फ्लावर वाली रंगोली बनाएंगे, सो हियर वी आर मेकिंग इट। ये ना पूजा की थाली है जो कि हमारी शॉप्स पे जाने वाली है फॉर पूजा, वहाँ पे भी पूजा होती है ना, तो उसके लिए वो जा रही है। एंड दिस इज द होल, उसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे वो फाइव फ्रूट्स एंड लक्ष्मी गणेश एंड एवरीथिंग। हाथ लगा।